सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। होटल से खर्चा बचना है, हिते resto.com में पैसा वेस्ट न वेंदा। प्रोफाइल घर वेठे भी मानू डिसी सगन है, गोले सगन है, पो हिते मीटिंग अरेंज थेणो हां पो पक्क भी थी सगंदी। resto.com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आ, जेको मानू जाम घट करना है पर करण खपे। मुंजो रिश्तो इनन सा 6 महीने रिन्यू खां पो ही मिले। मुंजो फर्स्ट टाइम में resto.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन दिनों उल्लासनगर शहर में गुंडागर्दी, मारपीट, लूटपाट करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मानो जैसे बदमाशों को पुलिस और कानून का कोई भी डर नहीं रहा। जहां दो बदमाशों ने सामान वापस करने को लेकर दुकानदार से पहले गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी, दुकानदार पर पत्थरों से हमला किया और वहां पड़े हुए खिड़की के कांच से हमला कर दुकानदार को गंभीर जख्मी कर दिया और यह पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। करण राजेश सुखेजा यह गंभीर जख्मी हुए दुकानदार का नाम है। करण के पिता राजेश सुखेजा का कैंप 5 में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के पास संतोष इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है। रविवार 26 नवंबर को दोपहर तकरीबन 2 बजे करण जब दुकान पर बैठा था, तभी दुकान पर दो व्यक्ति पंखे के पाइप को वापस करने पहुंचे। तभी करण ने उनको पिताजी के वापस लौटने तक रुकने को कहा और इसी बात से नाराज दोनों ने पहले गाली गलौज करते करण से मारपीट शुरू की और दुकान पर पत्थरबाजी करने लगे। वहीं बदमाशों ने वहां पड़े खिड़की के कांच से करण पर हमला कर दिया, जहां इस हमले में करण गंभीर जख्मी हुए हैं। वहीं करण को उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इस घटना में करण के हाथ की 4 नस कट गई हैं। वहीं हिललाइन पुलिस स्टेशन में करण राजेश सुखेजा की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के 324, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी आगे की जांच पुलिस हवलदार शिंदे कर रहे हैं। मेरा नाम करण सुखेजा है। कल दोपहर को 2 बजे के आसपास मैं अपने शॉप पे बैठा था, जो शांति प्रकाश आश्रम के इधर है। दो लोग बाइक पे आए, वो लोग ने बोला कि हम कल तुम्हारे से सामान लेके गए हैं, वो सामान रिटर्न करना है। मैंने बोला कि 2 मिनट रुको, पिताजी सामने डॉक्टर के पास गए हैं, वो आएंगे तो आपको जो भी है करके देंगे। तो इतना करते वो लोग गाली गलौज करना चालू हो गए मेरे साथ। तो मैंने बोला कि मेरी दुकान पे गाली गलौज मत करो, तो वो लोग ने हाथ उठाया मेरे ऊपर, मेरे को झापड़ मारा। फिर वो लोग ने, एक दूसरा बंदा था उसने पाइप उठा करके मेरे को मारा। फिर इतने में जो पहला वाला बंदा था वो जाकर के कांच लेके आया और उसने मेरे को कांच से मारा, कांच से वार किया, पत्थरबाजी किया, पत्थर फेंक रहे थे मेरे ऊपर। मेरे को हाथ पे कांच लग गया है बहुत बुरे तरीके से, जिसमें मेरी 4 नस टूट गई है। अभी मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है और मेरे को नस टूट गई, फ्रैक्चर भी हो गया है हाथ में। ये घटना कभी की है? कल दोपहर 2 बजे की है। इस घटना के वक्त आपको छुड़ाने के लिए कोई वहां पर पहुंचा था? हाँ, मेरे पिताजी पहुंचे थे मुझे छुड़ाने, बट उनके ऊपर भी उन्होंने वार किया है पाइप से, उनको पाइप मारे, कांच मार रहे थे सर पे, मैंने कांच को पकड़ा और फेंक दिया नीचे। और हमको जाते जाते धमकी दे के गए कि अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन वगैरह करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी बस मैं न्याय चाहता हूँ, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये सब चीजें उल्लासनगर में अनसेफ है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजेश सुखेजा है, मेरा संतोष इलेक्ट्रिकल नाम से दुकान चलती है, उल्लासनगर 5 में नियर स्वामी शांति प्रकाश आश्रम। कल 2 जन आए थे दुकान पे कुछ सामान वापस देने के लिए। मेरे लड़के का तबियत, बड़े लड़के का तबियत ढीला था, मैं सामने डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने के लिए। इतने में दो लड़के आए सामान वापस देने के लिए और मेरा छोटा लड़का जो यहाँ पे बैठता काम है, जो पढ़ाई करता है, उसको जबरदस्ती कर रहे थे सामान के लिए। मैंने बोला 2 मिनट रुकिए, मैं पापा आ रहे हैं, आपका जो भी है रिटर्न पैसे लेके जाइए। इतने में वो बोले रुकना नहीं रुकेंगे और माँ बहन पे गालियाँ देने चालू कर दिया और मारपीट चालू कर दी और बड़े बड़े पत्थर फेंकने लग गए और कांच भी फेंक दिए, पॉइंटर कांच भी। मेरे लड़के को लग गया छोटे में, उसका हाथ बाग फ्रैक्चर हो गया है, पूरा नस बस डैमेज हो गई है। आपने इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की हमने। तो अभी आपकी क्या मांग है? हम आप CCTV कैमरा में आप देख सकते हो कैसे वो लड़के लोग पत्थर और कांच फेंक रहे हैं। जैसे मेरा लड़का इंजर्ड हो गया, उसको
सीरियस इंजरी हो गई है। हम लोग पुलिस का सहयोग मांगते हैं, जैसे पुलिस हम लोग को सहयोग करे और ऐसा दहशत से कुछ निपटारा हो सके। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।